अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातहू। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं सीख कबाब की रेसिपी लाई हूँ, उसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये 1 किलो गोश्त है जो कबाब के पीस में ये लंबा लंबा कट कर दिया है और बिल्कुल नरम और सॉफ्ट गोश्त है। इसे धोकर 1 घंटा पहले इसे छन्नी में रख दिया था। इसका पानी पूरा बिल्कुल ड्राई हो गया है। इसमें कुछ अक्खा मसाला है, इसका पक्की बनेगा। 2 चम्मच धनिया, 1 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच सहज जीरा, 1/2 चम्मच काली मिर्च, 1 जायफल का टुकड़ा, 4 लौंग, 4 इलायची, 1 दालचीनी और ये थोड़ी सी जावित्री, 2 सूखा मिर्चा और 2 चम्मच खसखस, 1/2 चम्मच हल्दी का फक्की, 1/2 चम्मच मिर्चा का फक्की, 1/2 चम्मच गरम मसाला का फक्की, 2 छोटी चम्मच की अदरक लहसुन की पेस्ट, 2 चम्मच छोटी चम्मच की पपीता पिसा हुआ, नमक स्वाद अनुसार, 1 प्याला सरसों का तेल। ये 100 ग्राम दही है, 1 घंटा पहले इसे छन्नी में इसका रख दिया था। इसका पानी पूरा निकल गया दही का। दही में पानी रहने से क्या होता है, कबाब में पानी बहुत ज़्यादा छूट जाती है बनने में, जो बहुत तकलीफ़ होती है। सबसे पहले इसे ये देखिए, सबसे पहले ये सब मिक्सर का प्याला में डालकर इसका फक्की बना लेना है। ये देखिए, सब मसाला का फक्की बना लिया है, अब मैरिनेट करना है। ये देखिए, इसमें पूरा गोश्त डाल दिए हैं, अब इसमें सब मसाला डालना है। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट सब डाल देना है। इसे पपीता ये भी डाल देना है। ये दही ये भी डाल देना है। ये नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से दीजिएगा। ये देखिए, सब फक्की मसाला इसमें ही डाल देना है। अच्छा तीखा आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। हम अपने हिसाब से दिए इसलिए कि किसी किसी घर में तीखा ज़्यादा खाते हैं, किसी घर में कम खाते हैं, तो हम लोग कम खाते हैं। हम अपने हिसाब से दिए, आप अपने हिसाब से दीजिएगा। ये देखिए, ये मसाला सब डाल देना है। इसे डालकर हाथों से खूब अच्छी तरीके से इसे मैरिनेट करना है। जिस तरीक़े से मैं ये कबाब बना रही हूँ, उस तरीक़े से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसकी टेस्ट, इसकी खुशबू, इसकी जायका बहुत अच्छी आती है। और जैसे बाहर मिलते हैं होटल में कबाब, सीख कबाब, इसकी टेस्ट वैसे ही आती है। ये देखिए, अच्छी तरीक़े से मिक्स करके इसमें सरसों का तेल ज़रूर डालिएगा। सरसों का तेल डालने से जायका बहुत अच्छी आती है, टेस्ट भी अच्छा आता है। खूब अच्छी तरीक़े से इसे मिक्स कर दिया और कर कम से कम इसे 5 से 6 घंटा रखिए। अगर आपके पास वक्त नहीं है तो 3 घंटा रखिए, अगर आपके पास वक्त है तो 8 से 9 घंटा रखिए। अगर आपको लग रहा है कि हमें जल्दी खाना, तो आप रात में मैरिनेट कर इसे रख दीजिए तो सबसे अच्छी होगी। ये बहुत अच्छी बनती है, मैरिनेट जितना देर रहेगा उतना अच्छी बनती है। ये एकदम कम पर भी, अगर आपको एकदम भी रखना है, जल्दी बनाना है, लेकिन कम से कम 3 घंटा पहले तो आपको मैरिनेट करके रखना ही है। अगर 3 घंटा पहले भी नहीं बनाइएगा, संग बनाइएगा, तो इसका टेस्ट, इसका जायका बिल्कुल भी नहीं आएगी। एकदम आपके पास टाइम नहीं है तो कम से कम 3 घंटा। ये देखिए, जिस तरीक़े से बना रही हूँ उसी तरीक़े से बनाते जाना। आपको जिस तरीक़े से आपको सही लगेगा उसी तरीक़े से इस सीख में इसी तरीक़े से दे सकते हैं आप। ये देखिए, अब मैं बनाने के लिए इसे रेडी कर रही हूँ। कढ़ाई चढ़ाया, चढ़ाकर इसमें थोड़ा सा तेल लगाना है बस। अगर लगेगा तो हम फिर देंगे। कैसे ये रख देना है,
थोड़ी देर इसी तरीके से पकाना है, इसे उलट पुलट पलट पलट कर करना है। ये देखिए इसको चढ़ाकर इसको डाल दिया है सीख में, और डालकर थोड़ी देर इसे ढक दूंगी ढकने से, और अच्छी तरीके से कबाब हमारी गल जाती है। और गैस का फ्लेम तेज़ नहीं रखना, मीडियम रखना है। ये देखिए थोड़ी देर बाद इसे खोलकर देखिए, ये सीख है, सीख थोड़ा गर्म हो जाती है। देखिए कितनी अच्छी तरीक़े से फ्राई हुई है, सीख गर्म हो जाती है, इसलिए मैं इसमें चाहे तो आप जो काटी वाली टिंकर मिलती है कबाब के लिए, आप उसमें भी बना सकती हैं। मेरे पास वो नहीं थी इसलिए मैं इसमें बना रही हूँ। देखिए कितनी अच्छी कलर आई है। इसी तरह इसी तरीक़ा से ढक ढक कर थोड़ा पकाने से थोड़ा क्या होती है, सॉफ्ट हो जाती है कबाब और बहुत अच्छी कलर आती है। ये देखिए अब परफेक्ट हो गई है, इसे अब निकाल लूँगी सारा। ये देखिए मज़ेदार सी सीख कबाब हमारे बनकर रेडी है। इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बनाकर देखिएगा और बताइएगा ज़रूर ये कैसी बनी। देखिए कितनी सॉफ्ट और कितनी अच्छी बनी है ये, देखिए इस तरीक़े से ऐसे देखिए। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।